تقریباً 3000 سال قبل خداوند متعال نے ایک بار پھر اپنے سالے بندوں میں سے ایک سلیمان ابن داؤد کو اپنا پیامبر منتخب کیا تاکہ وہ بنی اسرائیل کو حق و اعتدال کی جانب دعوت دیں۔ तुम्हारे बाकी साथी ज्यादा शर्मीले हैं। आओ आओ बैठ जाओ। सलाम 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 अजीजाने मन। लोग कहते हैं जब आप तन्हाई में बैठे हों तो आपकी तन्हाई में मुखल नहीं होना चाहिए। नहीं, तुम लोग बिल्कुल भी मुखल नहीं हुए। आओ बैठो, बैठ जाओ। जब मैं तुम लोगों जितना था तो अपने बाबा दाऊद नबी के हमरा यहाँ आया करता था। वो इसी पत्थर पर बैठा करते थे और नहायत खुश लहनी के साथ आयत ज़बूर की तिलावत फरमाते थे और तमाम पहाड़ और परिंदे
उनके हम आवाज हो जाया करते थे। क्या परिंदे आपके साथ भी बातें करते हैं? परिंदे? भाई, तमाम लोग तैयार हैं? क्या यही हमारी बात चाहें जो तशरीफ ला रहे हैं? दुरूद पर सुलेमान नबी, दुरूद पर सुलेमान नबी, दुरूद पर सुलेमान नबी, नबी के बरसों पर जाकर दुरूद हो, दुरूद पर सुलेमान नबी। आपकी दुआ से इस साल हमारी फसल पिछले साल से ज्यादा हुई है। पैगंबर खुदा फसल की कटाई से पहले दुआ नहीं फरमाएंगे? खुदाबंद इस दिन को बहुत पसंद फरमाता है, वो दिन के जब इंसान खुद अपना बोया हुआ काटता है और हर वो चीज काटता है जो उसने बोई होती है। परवरदिगारा, इस जमीन पर खैर बरकत नाजिल फरमा और यकता परस्ती की तरवीज में हमारी मदद फरमा। आओ बैज़ने इलाही शुरू करते हैं। सलाम। सलाम सलाम मेरे वाली। आपने बड़ी जहमत की। मरियम अजीज जान, आपने क्यों जहमत की? मेरा दिल ही नहीं माना। साल कितनी रहमतों और बरकतों वाला है। हाँ वाकई, ये सब खुदा के लुत्फ इनायत है। क्या माजरा है? जो कुछ भी है वो है यहीं पर।
सूरज मेरे लिए पलटा दो। हमने भरपूर कोशिश की कि सरजमीन पर निज़ाम इलाही को नाफिज़ करें, इस तरह हुकूमत करें कि खुदा हमसे राज़ी रहे। फिर ये कैसे मनाजिर हैं जो मेरी निगाहों के सामने लाता है? वो मुझसे चाहता क्या है? अजीम और लाजवाब हुकूमत के मुकाबले मेरी हुकूमत एक बेजान लाश की मानिंद पड़ी है। खुदा बंदा, मैं कहाँ और तेरी अजीम और लाजवाब हुकूमत कहाँ? सुलेमान, हमने बारहा तुम्हें अपनी खास अल्ताफ व इनायात के लिए मुंतखब किया है। याद करो उस वक्त को कि जब हमने तुम्हारे और तुम्हारे बाप दाऊद के इल्म में इजाफा किया और हमने अपने बहुत से मोमिन बंदों पर तुम दोनों को फजीलत व बरतरी अता की, और जबकि हमने तुम्हें किताब, हुकूमत और नबूवत अता की, हमने तुम पर वही नाजिल की है और तुम्हें कार्य रिसालत के लिए मुंतखब किया है। लेकिन जान लो कि अनकरीब बहुत से गुमराह लोग शैतान की पैरवी करेंगे।
پروردگارہ، مجھے ایسی حکومت عطا کر، ایسی بے نظیر حکومت کی جو رہتی دنیا تک، تو کسی کو نہ عطا فرمائے گا، کہ تو بڑا ہی بخشنے والا ہے۔ تمام قبائلی سرداروں، ملک کے تمام کاہنوں کو خبر کر دو کہ جتنا جلدی ممکن ہو یروشلم پہنچے۔ ہمیں سخت ترین دشواریوں کا سامنا ہے، سخت ترین۔ جناب یزار، ہمیں نہایت خوشی ہے کہ ہمیں ایک بار پھر یروشلم کے ایک عظیم عالم کا دیدار نصیب ہوا ہے۔ بادشاہ کی خدمت میں پہنچنے میں ہماری رہنمائی نہیں فرمائیں گے جناب یزار؟ خداوند متعال نے ہماری حکومت کی کمزوریوں کی طرف نشاندہی کی، تو میں نے خدا سے درخواست کی کہ وہ میری حکومت کو رفعت عطا فرمائے، اور اب اس کا یہی ارادہ ہے۔ آپ کی حکومت کو رفعت دے، یعنی جنت نظیر بنا دے، جو آخر الزماں کی بہشت کی مانند ہو، جو نعمتوں سے مالا مال ہو اور کمال بشری کی معراج ہو۔ بہشت معود، جس کے خاطر بنی اسرائیل اس سرزمین پر ہجرت کر کے آئے تھے، لیکن صورتحال آپ کے سامنے ہے۔ جب تک اس دنیا میں شر اور بدی کا وجود باقی ہے، تب تک وہ مطلوبہ دنیا ظہور پذیر نہیں ہو سکتی۔ اس دنیا کے حصول کے لیے ہمیں ان خطرناک فتنوں کی سر کو بھی کرنا ہوگی۔ کیسی فتنے جناب سلیمان؟ فتنہ جنات اور شیاطین۔ آپ کی باتیں میری سمجھ سے بالاتر ہیں، آخر ایسا کیا ہونے والا ہے؟ جب حضرت آدم زمین پر تشریف لائے تو تمام عالم ایک دوسرے سے جدا ہو گئے، عنقریب ان میں سے بعض دوبارہ ایک دوسرے سے ملحق ہو جائیں گے۔ جنات اور شیاطین جو اپنی اپنی دنیا میں مصروف تھے، وہ غلیظ ہو چکے ہیں، اور اب وہ ہم سے نزدیک ہوتے جا رہے ہیں، نزدیک، بہت ہی نزدیک، اور عنقریب وہ ہماری اس دنیا میں داخل ہونے والے ہیں۔ اور وہ بہشت تب تک وجود میں نہیں آ سکتی جب تک ہم ان انسانیت کے دشمنوں کا مکمل خاتمہ نہیں کر دیتے۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ کیسی حکومت، کیسی جنگ، کیا مذاق کر رہے ہیں؟ میں نہایت سنجیدہ ہوں، اور اسی لیے آپ لوگوں کو ملک کے دور دراز علاقوں سے یہاں بلوایا ہے۔ اور اب آپ ہم سے کیا چاہتے ہیں؟ اس صورتحال میں آپ سب کی مدد اور تعاون۔ جناب سلیمان، آپ اپنی رسالت کے لیے کیا دلیل رکھتے ہیں؟ ہم میں سے کس بزرگ نے توریت میں کسی ایسی تفسیر کی تائید کی ہے؟ میں نے آپ کو بتایا نا کہ میں نے خداوند متعال سے درخواست اور اس خدا نے آپ کی درخواست قبول بھی کر لی۔ آیا آپ کے علاوہ کوئی اور شخص بھی خدا کے ساتھ آپ کی اس گفتگو کا گواہ ہے؟ کیا معلوم کہ یہ سب محض آپ کے اپنے ذہن کا وہم و خیال نہیں؟ یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ سبھی میرے باپ داؤد نبی اور میرے بھائی سلیمان کی رسالت کے بارے میں بخوبی جانتے ہیں، اور یہ بھی اچھی طرح جانتے ہیں کہ خداوند نے ان پر کیا کیا عنایات کی ہیں۔ ہم کچھ نہیں جانتے، جو معجزات ان کی پیامبری سے متعلق نقل کیے جاتے ہیں وہ ہم علماء یہود کے نزدیک کبھی ثابت نہیں ہوئے، اور نہ کبھی ہم نے ان کی رسالت کی کسی واضح نشانی کا کوئی مشاہدہ کیا ہے۔ لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ یہ تمام باتیں محض آپ نے اپنی حکومتی کمزوریوں پر پردہ ڈالنے کے لیے گڑی ہیں، خود کو بادشاہ کہلواتے ہیں، بس ہر رونما ہونے والے حادثے کے ذمہ دار آپ خود ہیں۔ بہتر نہ ہوتا کہ خود کو رعایا کا ہمدرد ظاہر کرنے کے بجائے حکومت کو چلانے کے لیے ہم سے مدد و تعاون طلب کرتے؟ کم از کم یوں اس قسم کی عجیب و غریب من گھڑت کہانیاں بنانے پر مجبور تو نہ ہوتے، اور نہ ہی ہم سے یہ توقع رکھتے کہ ہم اپنے قبیلوں کو کیسی تصوراتی جنگ کے لیے آمادہ کریں۔ کیا یہ آپ نے تھے جنہوں نے بنی اسرائیل کی رہنمائی کی ذمہ داری کام کم سے چھین لیا تھا، اور داؤد کی کتاب زبور کا نفاذ کر کے ہماری کتاب تورات کو پسے پش ڈال دیا تھا؟ آپ نے سفینہ نوح میں موجود تمام تبرکات پر بھی قبضہ کر لیا، حالانکہ ہم علماء یہود شریعت موسیٰ کے وارثی میں سے ہیں۔ اپنی جوانی کے آگے ہمارے بڑھاپے اور سفید بالوں کا بھی کوئی لحاظ نہیں ہے تمہیں؟ دیگر پیغمبران خدا، نوح، ابراہیم، یوسف، موسیٰ میں سے کسی نے بھی کوئی ایسا دعویٰ نہیں کیا۔ ان بندگان خدا نے کبھی یہ دعویٰ نہیں کیا کہ وہ بہشت خدا کو زمین پر قائم کر سکتے ہیں یا ان دیکھے شیاطین کے خلاف لشکر کشی کی طاقت رکھتے ہیں۔ وہ لوگ نہایت مظلومیت کے ساتھ ارتقاء دین اور ترویج خدا پرستی میں مصروف رہے، اور اس راہ میں کیا کیا فداکاریاں نہیں کی۔ ہم نے اس وقت بھی کہ جب ان کے والد داؤد نے ایک 9 سالہ بچے کو اپنا جانشین مقرر کیا تھا، شدید اعتراض کیا کہ حکومت چلانے کے لیے تجربے کی ضرورت ہوتی ہے، تجربے کی۔
اپنے اپنے شہروں کو لوٹ جائیں. اے بزرگان بنی اسرائیل. علی جناب کہاں جا رہے ہیں؟ آئیے بیٹھ کر کوئی راستہ نکالتے ہیں. شاہ فرزند محارم، خاندان ابراہیم کو بھول گئے جو یوں ہم سے سلیمان کی طرفداری کر رہے ہو؟ دیگر سپہ سالاروں کو بھی ہمارا یہ پیغام پہنچا دینا کہ آخر کب تک وہ اپنے قبائل کے خلاف قدم اٹھاتے رہیں گے. اب اس مسئلے کی باگ ڈور خود ہمیں ہی سنبھالنی پڑے گی. اور دوستو، آپ لوگ مختلف شہروں میں جا کر لوگوں تک میرا یہ پیغام پہنچا دیں. بھائی، قبیلے والے اپنے سرداروں کی بات مانیں گے نہ کہ ہماری. آیا آپ لوگ میرا ساتھ دیں گے؟ ہم اپنی آخری سانس تک آپ کے ساتھ. ہاں، ہم پیغمبر خدا کے پیغام کے اجرا کے لیے آمادہ ہیں. اپنی آخری سانس تک. یروشلم، سب سے زیادہ فتنے یہاں زور پکڑیں گے. بس میرے بھائی ابسلم، آپ یہاں دارالخلافہ میں رہ کر یہاں کی حفاظت کریں. جناب یعقوب، آپ اپنے بیٹوں اور دیگر ماتحت ساتھیوں کے ہمراہ زیب الون روانہ ہو جائیں. عالی جناب، یہ خاندان کئی جنگوں میں میرے بابا کے ہمراہ شریک رہے ہیں. امید ہے اس بار بھی وہ ہم سے تعاون کریں گے. جناب یشبوم، آپ ملک کے جنوبی حصوں کی حفاظت کریں گے. اور دنیا، آپ مشرق کے حصے اریحا کی جانب روانہ ہو جائیں. امکان ہے کہ سب سے پہلے فتنے یہیں سے سر اٹھائیں گے. عالی جناب، تو کیا یروشلم کو فوج سے بالکل خالی کر دیں گے؟ کوئی اور چارہ بھی نہیں. آپ لوگ لشکر اپنے ہمراہ لے جائیں. فتنے برپا ہونے کی صورت میں امن و امان قائم کرنے میں مددگار ثابت. جناب یواب، بڑے لاؤ لشکر کے ہمراہ تشریف لائے ہیں. میں اپنے قدیمی جنگجو ساتھی سے ملنے آیا ہوں، اجازت ہے؟ خوش آمدید. اے لوگو، ہمیں ایک انتہائی سخت اور کڑی آزمائش کا سامنا ہے. دنیا کے دروازے جنات اور شیاطین پر کھول دیے گئے ہیں. اب تک وہ انسانوں کو صرف وسوسوں میں مبتلا کرنے پر قادر تھے، لیکن اب وہ براہ راست ہم پر اثر انداز ہوں گے، اور نتیجتاً ہر قسم کی برائی اور شر ہمیں اپنی لپیٹ میں لے لے گی. یہ شیطانی طاقتیں اپنی تمام تر قوتوں کے ساتھ حملہ ور ہوں گی، جن کی پہلے انہیں اجازت نہ تھی. ایک بہت بڑا خطرہ ہماری گھات میں ہے، جس کے لیے آپ سب کو ہوشیار رہنا ہوگا. لیکن شیطانی حملے با ایمان انسان کے مقابل کبھی کارگر ثابت نہیں ہوتے. بس آئیں متحد ہو جائیں، اور خود کو خالصتاً اپنے خالق کے لیے وقف کر دیں. پروردگار کی رحمت کے دروازے اس کے بندوں پر ہمیشہ کھلے رہتے ہیں. بس میں آپ سب سے چاہوں گا کہ تقوی اختیار کریں اور فرمان رسول خدا کی اطاعت کریں، تاکہ فتنوں کے شر اور شیاطین کے خطرے سے امان میں رہیں. تقوی اور اطاعت پیغمبر خدا ہی ہمارا ہتھیار ہے، واحد ہتھیار. تو اب تک آئے کیوں نہیں؟ 15 دنوں سے ہمارے بیوی بچے اس عذاب سے دو چار ہیں. وہ کہاں سے ہم پر حملہ آور ہوں گے؟ دریا سے، جنگل سے، یا پھر پہاڑ سے؟ کہتے ہیں وہ ہر جگہ موجود ہیں، ہر جگہ. جنات اور شیاطین کا کوئی وجود نہیں،
ये सब तुम लोगों के वहम ख्याल की पैदावार हैं, मगर ना वो बजात खुद कोई मादी जिस्म नहीं रखते। ये तुम लोग हो जो गुनाहों के जरिए उन्हें अपने ज़हनों में परवान चढ़ाते हो। हकीकतन ये शैतान है क्या? शैतान हमारे अमाल और मनफी सोचे हैं। आप खुदा की बरगुजीदा कौम है, लिहाजा कभी भी गुमराह नहीं हो सकती। आप लोग सिर्फ हामलान तौरात की पैरवी कीजिए, ना कि दूसरों की। कहा था ये मेरी आखिरी किस्त है। बहुत वक्त दे चुका मैं तुम्हें। कैसे हो इजरा? जनाब इमार, आप भी मेरी कुछ मदद कीजिए। एक साल पहले जो उधार मैंने इनसे लिया था, ये मुसलसल उसका सूद मुझसे ले रहे हैं। ये वही शख्स है जिसकी आप मेरे पास इन्हें देने के लिए कुछ नहीं है। शराय मुनाफा और मैं यहूद की मुतफिका राय की बुनियाद पर तय किया जा चुके। अब तक ये उसका दो गुना मुझसे तलब कर चुके हैं, जबकि मेरा कर्ज वैसे का वैसा है। मैं तो मुसीबत में फंस गया हूँ। ये कहाँ का इंसाफ है? आखिरी कहाँ का उसूल है? ये कैसी शरा है? आखिर खुदा ने ऐसा हुक्म क्यों दिया है? खामोश हो जाओ। शरीयत खुदा के बारे में क्या जानते हो? इतने परेशान क्यों हो? अगर तुम वाकई परेशान हो तो जनाबे मायर से रابطہ करो, वो निस्बतन कम सूद लेते हैं। ये मेरा सामान है, आप मुझे ये जबरदस्ती नहीं ले सकते। ले सकता हूँ। लो ये तुम ही ले लो, लेकिन यूं बर्बाद। क्यों झगड़ रहे हो? झगड़ा मत करो। बस करें, शर्म नहीं आती तुम्हें? देख रहे हैं, मेरा ही भाई चंद सिक्कों के खातिर मुझ पर हमला कर रहा है। हम जिनका आपस में कभी कोई तलाक नहीं हुआ था, भला इन सिक्कों की अहमियत ही कितनी है? कितनी अहमियत है? देख रहे हैं, जब से ये शहर बनी इसराइल के हाथों फतह हुआ, हमेशा ही अमन का गहवारा था, लेकिन अब तुमने लोगों पर दहशत तारी कर दी है और लोग आपस में दस्तों गरेबा हो रहे हैं। बिलावजह नहीं जनाब यूएल, दुश्मन हमसे नजदीक हो रहा है और शैतान हम पर असरअंदाज हो रहे हैं। ए लोगो, होश के नाखून लो, हमें खतरे का सामना है। झूठ से परहेज करें, धोखा ना दें, यतीमों और मोहताजों का हक अदा करें, कहीं हसद में मुबतला ना हो जाएं या दूसरों के माल पर नजर रखें। सूद मत खाएं, सूद मत लें, ताकि शैतान आपको कोई गजन ना पहुंचा सके। आए उस खुदाए मेहरबान की पनाह में आ जाएं और उसकी बारगाह। इस शहर में कबीला इब्राहिम की जिंदगी के तमाम उसूल ज़ाब्ते किताब खुदा की बुनियाद पर तश्कील पाते हैं। हकीकी शरीयत शरीयत मूसा है, ना कि इनकी खुराफात। आखिरी बात, आप में से जिस किसी को भी कोई एतराज हो तो वो अपना कबीला छोड़ दे और यहां से चला जाए, और बस। ये लोग बरसों से इस तर्ज जिंदगी के आदी हो चुके हैं, आखिर आप लोग हालात को दगरगो क्यों करना चाहते हैं? अब नाकाबिले बर्दाश्त हो गया है, सुलेमान के दावों ने लोगों को मुश्तैल कर दिया है। मैं अब मजीद इन कबाइल को नहीं संभाल सकता। सब के सब सुलेमान की जानिब खींचे चले जा रहे हैं। उसके पास ताबूत सकीना है और वो गैर मामूली ताकत का हामिल है। शैतानों के पलटने से तमाम चीजें उसकी मुट्ठी में आ जाएंगी। नहीं, उनका पलटना हमारे मफाद में है। हराल, इस जादूगर को किसने यहाँ बुलाया है? मैंने इसे बुलाया है। इन हालात में हमें मुख्तलिफ जराए से इस्तेफादा करना होगा। सुनो, कुत्तों और भेड़ियों की आवाजें सुन रहे हो? दुनिया के बड़े बड़े नाम और अफराद ने इन्हीं ताकतों के बलबूते पर दुनिया पर हुकूमत की है और नित नए काम अंजाम दिए हैं। नमरूद, फिरौन, कैसे कैसे ना अजीम तमदन मारे से वजूद में लाए। अब हजारों साल बाद फिर ये ताकतें जमीन पर दोबारा पलटेंगी और मुझे उम्मीद है कि वो अपने खिदमतगारों को हरगिज़ फरामोश नहीं करेगी। आप लोग भी अगर दौलत दुनिया के मुतमन्नी हैं
और अगर तमाम कौमों पर बरतरी और सरवरी के खान है तो हम उनके साथ मिल जाएं, हम उलमाए यहूद लोग क्या कहेंगे? जनाबे आजार, जिस रोज से सुलेमान तख्त हुकूमत पर बैठा है तब से मैं उसके साथ एक फैसला कुन जंग करना चाहता था। जिस वक्त उसने अपने बाप की तरह पैगंबरी का झूठा दावा किया था, ईमान मजीद मोहकम और अज़्म मजीद पुख्ता हो गया। अगर ये मखलूकात आ गईं, तो उस मगरूर जवान के गुरूर को खाक में मिला देगी। तक्वा और इताअत सुलेमान इस वक्त जो ज्यादा खतरनाक है, इताअत सुलेमान है, और इसी बात को उसकी शिकस्त का सबब बनना चाहिए। जब सुलेमान बहुत छोटा था तो एक रोज एक किसान का और एक दूसरे आदमी का, जिसकी भेड़ों ने रात के वक्त उस किसान के खेतों को रौंद डाला था, आपस में झगड़ा हो गया। खुदा ने सुलेमान को फैसला करने की कुव्वत अता फरमाई। दाऊद ने कहा, देखा सुलेमान किस फजीलत का हामिल है, लेकिन मुखालफीन ने हंगामा खड़ा कर दिया कि तुम एक बच्चे को अपना जानशीन मुकर्रर करना चाहते हो। मेरा बेटा सुलेमान मुझे मानी खेज निगाहों से देखने लगा। मुझे ऐसा महसूस हुआ गोया वो खुद को आने वाली मुश्किलों के लिए तैयार कर रहा हो, और आज वो दिन आ ही पहुंचा है। मरियम, मैं उसके लिए निहायत फिक्रमंद हूँ। मादर जान, खुदा हमारे साथ है, वो हमें हरगिज तनह नहीं छोड़ेगा। आले दाऊद ने इसी दिन के लिए तो तरबियत पाई है मादर जान। मुझे अपने बेटों पर निहायत फख्र है। नन्हे मेहमान की क्या खबर है? पहले की बनिस्बत आजकल उसकी हरकत ज्यादा महसूस कर रही हूँ। मुद्दतों बाद परवरदिगार ने हमें बच्चे की नेमत से नवाजा है। मुझे तो जलन सी होने लगी है। मुझे ऐसा लगता है जब वो आएगा तो आपकी तमाम तवज्जो अपनी जानिब कर लेगा। बहुत सख्त दिनों का सामना है ना आपको? इससे पहले किसी भी पैगंबर को इस किस्म की मुश्किलात का सामना नहीं हुआ है। क्या हम कामयाब हो जाएंगे? परवरदिगारा, मर्दा में यरूशलेम और दीगर शहर आपको पसंद करते हैं, लेकिन वो अपनी पुरानी खसलतों के असीर हैं। क्या वो इस आजमाइश पर पूरे उतर सकेंगे? खुदावन हमारा पुष्पना है। सुलेमान नबी ने फरमाया था हम दुआ करके निजात पा सकते हैं। अब तलवार ही बेहतरीन वसीला निजात है। वो दोनों अफराद हमारे कबीले से हैं, वो बाइज्जत लोग हैं, उन्हें छोड़ दो। हम उनसे काम लें।
क्या कल रात नहीं देखा कि क्या हुआ था? बस हम कुछ देर उनकी निगरानी करेंगे ताकि सब कुछ अपने मामूल पर आ जाए। यहाँ सिपाहियों की कोई जरूरत नहीं, खवातीन और बच्चों की जान को खतरे में मत डालें। अपने सिपाहियों को यहाँ से ले जाएं, वरना खुद ही हमें यह कदम उठाना पड़ेगा। जनाब इमाम, अमन और अमान के कयाम में आप सब लोग मेरा साथ दीजिए। सुलेमान, देखें इनकी भेड़ों ने हमारे साल भर की मेहनत जाया कर दी। इसे बात के लिए उठा रखें, फिलहाल आपस में सुलह कर लें। सब सवार हो जाएं, जल्दी करें, सब सवार हो जाएं, जल्दी करें। क्या हुआ, अचानक ही रवाना हुई है? जल्दी करें, खालिद बिन अरिहा जा रहे हैं। जल्दी करें, जल्दी करें, जल्दी। भाई अतोनिया, भाई चंद लोगों ने अपने अजीज व अकारिब पर हमला कर दिया है। हमने अक्सर को गिरफ्तार कर लिया है। इस तरह मुमकिन है कि हम उन पर काबू पा सकें। किसी भी लम्हे कोई भी मुतासिर हो सकता है। जनाबे सुलेमान, हम खौफज़दा हैं कहीं लुकमाए अजल ना बन जाएं। आखिर ये कैसी मुसीबत है जो हम पर नाजिल हुई है? Thank you.
खुदाया है मेरे माबूद और मुंतहा मकसूद, है मेरे यारो मददगार, है मेरे मल जाओ मावा, तेरे सिवा कोई पनाहगा नहीं है। मैं अपनी हर दाद और फरियाद फकत तेरी बारगाह में पेश करता हूँ, ताकि फकत तू जो मेरा परवरदिगार है मेरी निजात का सामान करे। खुदाया ये तेरे करम के मुनाफी है कि तू मुझ जैसे कमजोर और नातवा को खूनखार दुश्मनों के चुंगल में यको तन्हा छोड़ दे, कि वो बलाएं मुझ पर बुरी तरह टूट पड़े और जिस इज्जत से तूने मुझे सरफराज फरमाया है उसे खाक में मिला दे। बारे इलाहा हमारे दिलों को दोबारा अपने ईमान के नूर से मुनव्वर फरमा दे, ताकि हम तेरी खातिर दुश्मनों और मुफ्सिदों से जंग करने के लिए उठ खड़े हों और शैतान पर गालिब आ जाएं। ये आपका भाई था जिसने हमें लोगों की रहनुमाई न करने दी और उन्हें हमारे खिलाफ उकसाया। वो तो जाहिर है जो मुसीबत भी हम पर वारिद होती है वो मुशक्कस है, किसी ने भी आने वाले खतरे को संजीदा नहीं लिया। ये जवान हत्ता के बाजार के मामलात में भी दखल अंदाजी कर रहा था। मामलाते बाजार? इनका मतलब सूद से है भाई। सूद? ये कबीला जब भी दवादारू या ज़राअत के खराजात के लिए तही दस्त हुआ है तो इसने हमें से रुजू किया है और हमने हमेशा उनकी मदद की। और सूद जैसी लानत का क्या करेंगे? माले हराम से आलूदा आपकी जिंदगी का कितना भयानक अंजाम होगा इसका कुछ अंदाजा है आपको? माले हराम? शहर के काहिनों पर तोहमत क्यों लगा रहे हैं आप? आप तो खुद आसमानी किताब का इल्म रखते हैं। अकाबरी ने शहर गवाह है कि हमने माँ सिवाय अपने हक के लोगों से कुछ तलब नहीं किया। कौन सा हक? कैसी तलब? क्या इससे बड़ा आलमिया भी कोई होगा कि तालीमात मूसा के बरखिलाफ बनी इसराइल को इस अजीम और खौफनाक गुनाह का आदी बना रहे हैं और फलाह बेहतरी की राय हमेशा के लिए उन पर मस्तूत कर रहे हैं? कैसा गुनाह जनाबे सुलेमान? सूद तो दौलत की जीनत है, उधार लेने वालों की रजाइयत उसे हलाल कर देती है, तौरात की रूह से भी और दीगर आसमानी सहीबों के रूह से। उस किताब के मुताबिक जिसमें अपनी पसंद से तहरीफात की हैं, उसके कलिमात में अपने मफाद के मुताबिक रद्द बदल किया है। किसने कहा कि लोगों के माल से सूद खाना आपका हक है? शर्म नहीं आती आप लोगों को? क्या नहीं जानते कि माले हराम वो आतिश जहन्नुम है जो आप सबको जलाकर खाकस्तर कर देगी? तो फिर हमारा जरिया माश क्या होगा? क्या भूख के मारे आवारा और सरगर्दा दर दर भीख मांगकर आलिमों की इज्जत को खाक में मिला दे? वाह हो आप लोगों पर, वाह हो कि आप लोगों की कम इल्मी आपकी सरकशी का बायस हो गई है। अब मुझे समझ में आया कि खुदा ने मेरी हुकूमत को एक लाश की सूरत में पड़ा हुआ मुझे क्यों दिखाया था। मेरी नजरों के सामने से दूर हो जाए कि मुझे आप लोगों से किसी खैर की तवक्को नहीं। कल मैं आप लोगों के पास किसी और को भेजूंगा, वो जो आप लोगों से ज्यादा इल्म रखता हो, वो जिसका इल्म उसकी गुमराही का बायस न बना हो। पहाड़ अपनी जगह से खिसक जाए लेकिन वो साबित कदम रहेगा, दुनिया लरस जाए वो नहीं डगमगाएगा। कल का सानहा याद है? इस वक्त दीगर शहरों की भी यही सूरत हाल है। अगर दोबारा जनून हम पर तारी हो गया तो? आप में से जिन्होंने भी हक की पैरवी की वो फितनों से अमान में रहे, आपकी वही सबका जिम्मेदारी है। खुदा निगेदार। आप हमारे हमरा नहीं चलेंगे? शाय आसिफ बिन बरखिया, सलेमान ने उन्हें तलब किया है। अब वो कुछ नहीं कर सकता। तुमने बताया था कि तुम किसी तिलिस्म को मजीद ताकतवर बनाने में मसरूफ हो। क्या मतलब है तुम्हारा? तुम समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? सलेमान को मार डालो। नहीं, मुमकिन है कि ये तिलिस्म खुद मुझ पर ही पलट आए हैं।
उसको मारने के लिए हर खतरा मोल लिया जा सकता है। मैं कहता हूं उसे मार डालो। मेरे उस्ताद कहा करते थे, इल्मे सहर फिरौन के अजीम साहिरों की मीरास है जो कारवाने मूसा के हमरा दरिया से गुजरे थे। ये उलूम कायनों के पास महफूज रहे और फिर सीना पसीना होते हुए हमारी नस्ल में मुंतकिल हो गए। वो हमेशा कहा करते थे, सूद असर जादू पेंती तरी नशिया की कुर्बानी मांगता है। बेचारा, तुम चिल्ला शुरू करो, चिल्ला शुरू करो। सूरजी परदेश करने वाली अजीम कुवतों, ए नजरे पर, ए दीनो हसन, सुलेमान की अजीम तरीन हस्ती को मार डालो निहायत अज़ियत के साथ। क्या हुआ मरियम? हम अपना सफर जारी रखेंगे। हाय, आप यरूशलेम चले जाएं, अतराफ के शहरों में हम चले जाते हैं। खुदा ने चाहा तो हम हालात पर काबू पा लेंगे। शाय, चंद सिपाहियों के साथ उनकी हमराई करो। जी आली जनाब। हरकत करें हेब्रोन की जाने।
खुदावन आपको सब्र जमील अता करे जनाब सुलेमान, यरूशलेम के लोग आपके दर्द में बराबर के शरीक हैं। तुम यहीं रुको। जी बेहतर। ताज़ियत पेश करता हूं। अजीजों को खो बैठना निहायत सख्त और अजियतनाक होता है। आप अब देख रहे हैं कि हमारा कहना गलत ना था। अजीज व कारिब सबसे पहले लुकमय अजल बने हैं। आपके दुश्मन हत्ता के बेगुनाह खवातीन और मासूम बच्चों पर भी रहम नहीं करते हैं। आज के बाद खून की नदियां बहेंगी। बेहतर होता कि आली जनाब इस अमर पर राजी ना होते और दुनिया के मकाम मनसब से किनारा कशी इख्तियार कर लेते और दीन की तरवीज करते और हुकूमत हमारे हवाले कर देते। बीवी बच्चे की मौत भी आपको कुछ सोचने पर मजबूर नहीं करती। क्या यह जरूरी है कि अपनी माँ भाई और तमाम दोस्तों की कुर्बानी के बाद ही आपको संगीनी का एहसास हो? आखिर कितने लोग आपकी इस जाह तलबी की नजर हों? कितने लोग? हम पर जो भी मुसीबत नाजिल होती है हम उसे मसलहत खुदावंदी जानते हैं। आपने आले दाऊद की नाबूदी का कसद किया है और मैंने आपके खानदान की निजात और रुस्तगारी का। आपने मुझे याद किया, हाजिर खिदमत हूं। मैं जब भी आपको देखता हूं मुझे अपने बाबा याद आ जाते हैं। मुझे अफसोस है मरियम और अपने बच्चे के लिए मेरा दिल बहुत उदास है। वो दुनिया वालों के इंतकाम की नजर हो गए। वो रहमत खुदाबंदी के मुस्तहिक तो है ना, उसकी बख्शिश और मगफिरत के। इस मुकद्दस चट्टान से एक राह निजात पैदा होगी। यही वो जगह है जहां पयंबर आखिरुस्समा तमाम अंबिया को अपनी इक्तिदा में नमाज पढ़ाएंगे और मेराज पर तशरीफ ले जाएंगे। यही वो जगह है जहां आखिरी जमाने में उनकी नस्ल से एक मुंजी आखिरी जंग करने के बाद इबलीस की गर्दन उड़ाएंगे और फिर तमाम मलाइका जमीन पर नूर अफशानी करेंगे। जनाब सुलेमान, हमारे कासिद खबर लाए हैं कि बैत अबिया, बारे हरिस और ताले राफिडम जैसे शहरों के लोग शयातीन के हमलों पर गलबा पाने में नाकाम रहे हैं। जनाब याजबाउम और हिजकेल मुश्किल से दोचार हैं और आदुनिया हेब्रोन पर काबू पाने के बाद आईने फारिस की जानिब रवाना हो गए हैं। हमें जल्द से बुलून पहुंचना होगा। तुम्हें याद है ये वो पहली जीरा थी जो तुम्हारे बाप ने अपने हाथों से बनाई थी। शाये। जी आली जनाब। आप मेरे भाई के हमरा यहीं रुकिए। इताअत जनाब आली। अब सलोन
यरूशलम को मैं तुम्हारे हवाले कर रहा हूं और मां को भी। तमाम लोगों को मुकद्दस चट्टान की तरफ ले जाओ, उन्हें कहो कि औरतों और बच्चों को वहां पनाह दें। इताअत। हमने सोचा भी न था कि इस मुश्किल से हमारा वास्ता भी पड़ सकता है। बिलाखिर अब हमें क्या करना चाहिए? जनाबे याजार, हमें क्या करना होगा? गौर से सुनो, इस वक्त वो मुल्क के दूर दराज इलाकों के सफर पे गए हुए हैं। यही वो सुनहरी मौका है जिसका हमें बरसों से इंतजार था। हमें सुलेमान के लौटने से पहले ही अपना काम कर दिखाना है। परेशान न हो, खुदा हमारी मदद करेगा। हेब्रून शहर पर हमारे हामियों का कब्जा हो गया है और ये हमारे हाथों गिरफ्तार हो गया। रवाना होंगे। ठीक है? मैं ठीक हूं। चलें दोस्तों, चलें, जल्दी चलें। Jorah.
जाएं। शहर से बाहर निकल जाएं, जल्दी। सुकून रहे, हिम्मत से काम ले, बैठ जाएं। आगे। जनाब आशर, आप भी आ जाएं। आ जाएं। पानी में ले जाए, जल्दी करें, जल्दी करें, आ जाए। तरफ करो, कश्तियों को पानी में डालो, जल्दी करो, जल्दी, जल्दी करें, कश्तियों को पानी में ले जाओ, जल्दी करो, आ जाओ, जल्दी करो, जल्दी। खुदा और उसके पैगंबर की खातिर, खुदा और उसके पैगंबर की खातिर। Thank you.
پروردگارا میرے ان سپہ سالاروں کو اپنی رحمت و مغفرت کا مستحق قرار دے. جناب عاشر آپ کیوں ہوش میں آئیے؟ شر شیاطین سے خدا کی پناہ مانگے. میں آلودہ ہوں، مجھ سے خیر کی امید مت رکھیں. میں نہیں کر سکتا. آپ کر سکتے ہیں، خود کو خدا کے سپرد کر دیں، آلودگی کو خود سے دور کریں، خدا کی محبت سے غافل مت ہوں. آپ خدا کو پکاریں، خدا کو پکاریں، آپ ایسا کر سکتے ہیں. خدا را آپ کوشش کریں. میں نہیں کر سکتا. پیغمبر خدا، آدونیا میرے بھائی، قبائلی سرداروں نے یروشلم پر حملہ کر دیا ہے. یروشلم، آپ سب جانتے ہیں یہ تمام حالات سلیمان کے پیدا کردہ ہے. حکومت دوبارہ ان کے اصلی اقداروں کے حوالے کر دینی چاہیے. جناب یازار، بنی اسرائیل کے رہنما، سنو، تمہاری نجات کا حل جناب یازار کے پاس ہے، نہ کہ پیغمبری کا جھوٹا دعویٰ کرنے والے کے پاس. علامہ نے بغاوت بلند کیا ہے، وہ بھی داؤد نبی کے شہر میں، کہ جہاں لوگ ان کی روح پرور آواز اور زبور کی دل نشین آیات کے ساتھ زندگی بسر کر رہے ہیں. جناب آصف، آپ کیوں اس خاندان غاصب کی طرف داری کر رہے ہیں؟ اگر آپ مجھے عالم ترین شخص مانتے ہیں تو جان لے کہ ہمارے پاس علم گراں بہا امانت ہے. اس کے ذریعے پیامبران خدا کو پہچانے اور تسلیم ہو جائیں. اگر ایسا نہ ہو تو یہ علم نہیں، جہالت ہے. اے لوگو، پیامبران خدا سے جنگ مت کرو، یہ ایک ناقابل بخشش گناہ ہے. ڈرو کہیں قوم موسیٰ کی تاریخ نہ دہرائی جائے، کہ جب کوہ طور سے ان کی واپسی میں ذرا تاخیر ہو گئی تو لوگ سامری آرون جادوگر کی باتوں میں آ گئے اور گسالہ پرست ہو گئے. جناب آصف ٹھیک کہتے ہیں. میں شہادت دیتا ہوں سلیمان پیامبر خدا ہیں. لوٹاؤ لوٹاؤ اسحاق، اسحاق! اور یہ ان کے بھائی ہیں ابسلوم، فرزند داؤد نبی. اے لوگو، جان لو کہ تمام قبیلوں نے مجھ سے پیمان باندھا ہے
اگر میرا کہا نہ مانا تو تم میں سے کوئی بھی زندہ نہیں بچے گا۔ آصف سچ کہتے ہیں۔ اتنے پریشان کیوں ہو؟ سب سے بڑا ہتھیار تو خود تمہارے پاس ہے۔ خدایا میری امت کو فتنہ گروں کے فتنوں سے نجات دے۔ اے فریب خوردہ سپاہیوں اور سپہ سالارو، میں یہودیوں کی شریعت کا محافظ و نگہبان ہوں۔ حلال و حرام کا تعین صرف میں کروں گا۔ میں تم لوگوں کو کتاب خدا کی جانب دعوت دیتا ہوں، اور یہ توریت دستور خداوند ہے، وہ کتاب خدا کہ جو موسیٰ پر نازل ہوئی ہے۔ کیا آپ بھی دین خدا کے مقابل آؤ گے؟ ہم توریت کے مقابل ہرگز نہیں آئیں گے۔ اس مرتبہ ہمیں انسان نما شیاطین کا سامنا ہے، ہمیں جلد از جلد یروشلم پہنچنا ہوگا۔ لیکن جناب، تمام افراد تھکے ہوئے ہیں اور گھوڑوں کو بھی آرام کی ضرورت ہے۔ ٹھیک ہے، کل صبح تک آرام کرنے دو، وہاں تک تو کئی دن کی مسافت ہے۔ صبح تک۔ پروردگارا، دشمن مختلف عربوں سے چار جانب سے ہم پر حملہ آور ہوا ہے اور ہم پر غلبہ پانے والا ہے۔ فاصلہ زیادہ ہے اور میرا بدن ناتواں اور میری طاقت محدود۔ خدایا میں کیا کروں؟ پروردگارا دستگیری فرما۔ نسبتاً امن ہے، یہاں آ جائے، جلدی کرے، جلدی کرے، یہاں آ جائے، جلدی کرے۔ سلیمان۔ پروردگارا۔ سلیمان، اے میرے محبوب بندے، ہم نے ہوا کو تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے، اس سے استفادہ کرو تاکہ یہ ہوا تمہارے حکم سے تمہیں جہاں چاہو لے جائے۔ جوڑنا ہے۔
आओ 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 यहाँ आओ, डरो मत बेटा, कुछ नहीं होगा। ये उड़ जाएगी। सब सवार हो जाएं, जल्दी करें दोस्तों, जल्दी करें। इलाही तेरे भरोसे पर।
परवरदिगारा, ये लोग आए दिन तेरे मौजजात देखते हैं लेकिन फिर भी ईमान नहीं लाते। गुनाह उनकी आलूदगी ने इनकी आंखों को अंधा कर दिया है और उनके कुलूब को तारीख। ये खुदा परस्ती की जड़ों को जमीन से उखाड़ फेंकने के मसमूम अजायम रखते हैं। खुदाया, हम तेरी राह में जान देने से खौफजदा नहीं, लेकिन हमें डर है कि कहीं ये फितना कर तेरी हुकूमत में फितना और फसाद ना पैदा कर दे, और यकीनन ये तुझे गवारा ना होगा। परवरदिगारा, एक बार फिर हम पर अपनी रहमत नासिल फरमा और हमारी नुसरत फरमा कि तू बेहतरीन नुसरत करने वाला है। ए सुलेमान, जिन्नात और शयातीन के मादी हो जाने के लिए तैयार हो जाओ कि हमने तुम्हें इन्हें तस्खीर करने की ताकत अदा की है और ये ताकत हमने तुम्हारी इस अंगुष्ठी में रख दी है जो हमेशा तुम्हारे साथ रहेगी। शैतान इंसान की तमाम शरारतों और तकलीफों का मंबा है, वो है जो हमारे माँ बहन जुदाई का मोजब बना हुआ है। क्या आप भी गफलत से बेदारी और तौबा करने का वक्त नहीं आया है? वाह हम पर, वाह हम पर,
جان لے کہ آج کے بعد میرے حکم سے جنات اور شیاطین ہماری سرزمین پر مفلوج رہیں گے، لہٰذا اس حقیر و پست مخلوق سے ہرگز ڈرنے کی ضرورت نہیں، جرت کے ساتھ جائیں اور سب کو قید کر ڈالیں۔ تعریفیں سزاوار ہیں اس خدا کے لیے جو بے آسروں کی پناہ گاہ ہے، کہ جس نے جنات اور شیاطین کو ہمارا تابع قرار دیا ہے۔ لیکن جان لے کہ آخر زمانے میں یہ مخلوقات دوبارہ زمین پر نمودار ہوں گی اور ایک بار پھر فساد و خون ریزی پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لے گی۔ صالحین استغاثہ بلند کریں گے تاکہ خداوند کریم ایک بار پھر اپنی دست قدرت کا مظاہرہ کرے اور ایلیا کا نور ہم پر نازل فرمائے، تاکہ جس طرح گزشتہ گناہگار و نافرمان قوموں کو شکست دی، اسی طرح ایک بار پھر تمام شر پسندوں اور شیاطین کو نیست و نابود کر دے۔ تب وہ آئے گا جو دریائے رحمت ہے، منجی بشر، اور تب صالحین زمین کے وارث ہوں گے جو روئے زمین پر ایک ایسی بہشت تشکیل دیں گے کہ جس میں انسانیت اپنے پورے اوج کمال کو پہنچے گی۔ بس خدایا ہمیں توفیق مرحمت فرما اعمال صالحہ کی، تاکہ جس طرح تو پسند کرتا ہے اس زمانے کے لیے ہم خود کو آمادہ کر سکیں، تاکہ ہم تیرے مخلص بندے بن جائیں۔ ربنا رب القلوب وهو علام الغیوب فی الشروق وفی الغروب نوره یهدی العصا ربنا رب القلوب۔